आज प्रेस क्लब में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आज जो प्रेस वार्ता का विषय है वो विषय कहीं ना कहीं इस प्रदेश में चल रही व्यवस्था, इस प्रदेश के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ उन्हें संरक्षण देने वाले हमारे नेता विधायक या मंत्री को लेकर है। आज जिस प्रकार से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये मामला नया तो नहीं है, परंतु ये मामला लंबे समय से इसमें हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल तक ये बात जा चुकी है और वहाँ पर भी इसका मसला चल रहा है। मामला ये है कि हमने कुछ समय पूर्व माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक PIL दायर की थी। उस PIL में कई बार सुनवाई हुई। वो PIL शिक्षा विभाग में एक भ्रष्ट अधिकारी को लेकर डाली गई थी और उस PIL के दौरान ना जाने क्या क्या चीज़ें हुई। उस PIL के दौरान उत्तराखंड सरकार, शिक्षा विभाग, भ्रष्ट अधिकारी और विभागीय मंत्री धन सिंह रावत, तमाम लोगों ने एक PIL करता जो खुद में बॉबी पवार के नाम से PIL थी, उन्होंने क्रिमिनल घोषित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई जब उन लोगों को लगा कि तथ्य हैं, सारी चीज़ें हैं, अब कार्रवाई हमारे अधिकारी पर भी होगी, कार्रवाई अब बदनामी विभाग की भी होगी, बदनामी सरकार की भी होगी, तो उन्होंने वहाँ पर एक एफिडेविट लगाया और कहा कि जो पिटिशनर है वो क्रिमिनल है, उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। अब उन्होंने इस किस आधार पे कहा मुझे ये तो नहीं पता, परंतु हाँ इस आधार पे जरूर कहा होगा कि बॉबी पवार पर 10 मुकदमे हैं और इसलिए वो क्रिमिनल हो गया। पर अभी तक एक भी मुकदमे में दोष सिद्ध नहीं हुआ। कई मुकदमे हमारे हाईकोर्ट नैनीताल में चल रहे हैं, कई यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे हैं और कई अभी थानों के अंदर लंबित है। उन्होंने ये इसलिए किया कि उनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ था अपने भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए। उन्होंने हमें क्रिमिनल घोषित करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, पर हुआ क्या कि जो भ्रष्ट अधिकारी तत्कालीन जो शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट थे, ये प्रकरण उनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मामला जब कोर्ट गया और उनकी अब सेवानिवृत्ति जब होगी तो उसकी जो कहानी है वो कहानी जब आप सुनोगे तो मुझे लगता है कि आप मन ही मन मुस्कुराओगे भी और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और उत्तराखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर भी जरूर आप गंभीरता से सोचोगे। भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा जो कृत्य किए गए थे, जो जाँच में जो उजागर हुए हैं, जिसमें जाँच में पाया गया कि दोषी है, उनके द्वारा चे 2023-24 में स्थानांतरण नियमावली को दरकिनार करते स्थानांतरण किए गए, कई नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए गए, उनके द्वारा के आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकास नगर में नियमों के खिलाफ जाकर डाउनग्रेड प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई हो, उनके द्वारा चे दुर्गा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कल्याण खाल में प्रधानाध्यापक के पद पर गलत अनुमोदन किया हो, उनके द्वारा चाहे जिस स्कूल में जिस विषय के पद ही नहीं था वहाँ पर बिना परीक्षण किए एकल स्थानांतरण करना है, जो किया है जो नियम विरुद्ध था, उनके द्वारा कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार में नियम विरुद्ध डाउनग्रेड प्रधानाचार्य का अनुमोदन किया गया था, उनके द्वारा 12 विद्यालयों में नियम विरुद्ध एकल स्थानांतरण किया गया था, उनके द्वारा गेस्ट टीचरों के एकल स्थानांतरण ना होने के बाद भी नियम विरुद्ध एकल स्थानांतरण किए गए थे, उनके द्वारा ईमी एक्ट 2021 को दरकिनार करते हुए सहायक अध्यापक LT से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति गलत तरीके से की गई थी, उनके द्वारा कई मृतक आश्रितों को नियम विरुद्ध नियुक्तियां दी गई थी, उनके द्वारा नियम विरुद्ध जाकर विनियमितीकरण किया गया था, उनके द्वारा विधि स्नातक की डिग्री ना होने के बाद भी एक सहायक अध्यापक को विधि अधिकारी बना दिया गया था, और उनके द्वारा
प्रधानाचार्य जैसे पद पर अपने साले को नियुक्ति भी दी थी। इसके बाद ये भ्रष्ट अधिकारी के जो काले कारनामे थे, जो जांचों में स्पष्ट हुआ है, जो जांचें निकल कर आई है, जो जांच अधिकारियों ने दिया है, फिर उसके बाद भ्रष्ट अधिकारी के बचाव में जो हमारे शासन से लेकर हमारे मंत्री तक जो आ जाते हैं, वो इसलिए भी आ जाते हैं कि एक ये चिट्ठी है, ये उत्तराखंड शासन की चिट्ठी है और ये 22 दिसंबर 2023 की है, जो कि जेएल शर्मा संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन सेवा में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून को लिखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि कृपया उपरोक्त विषय श्री बॉबी पुवार अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ के दिनांक रहित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भ में महावीर सिंह बिष्ट तत्कालीन अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के विरुद्ध की गई शिकायतों की संबंध में प्रारंभिक जांच करवाते हुए अपनी सुस्पष्ट संस्तुति मंतव्य सहित जांच 15 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध करवाएं। यह दिसंबर 2023 की चिट्ठी है और जबकि दिसंबर 2023 से हमने भेजी होगी तभी हमारा उसमें जिक्र हुआ होगा कि भाई ये है। अब किस तरीके से हमारा शासन और हमारे मंत्री बचाव करते हैं, 5 दिसंबर 2022 से 4/7/2024 तक केवल और केवल 2 बिंदुओं पर जांच होती है, जबकि इनके खिलाफ जो हमने दिया था कम से कम 17-18 बिंदु थे। 2 सालों में केवल 2 बिंदुओं पर जांच होती है, इतनी तेज गति से मैं कहूँगा शासन की कार्यप्रणाली हमारी चल रही है। तदुपरांत जब पीआईएल डलती है, जब चीज़ें आगे बढ़ती है, जब हम थोड़ा संघर्ष करते हैं या मामलों को खोलते हैं, तो 26 दिनों में 8 बिंदुओं पर जांच हो जाती है। तब 26 दिनों में 8 बिंदुओं पर जांच हो जाती है, जबकि 2 बिंदुओं को 2 साल जांच बिंदु करने के लिए लग जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कई जांचों में जांच अधिकारियों ने पुष्टि की है कि महावीर बिष्ट के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की पुष्टि जांच आख्या के क्रम में हो रही है, ऐसे स्थिति में श्री महावीर बिष्ट के विरुद्ध दीर्घ शक्ति पर्याप्त आधार है, ये हमारे जांच अधिकारियों ने लिखे हैं और ये स्वीकारा है कि वास्तव में इनके खिलाफ जो जांच हुई है, जो जांच की गई है, उसमें ये पुष्टि हुई है कि इनके द्वारा अनियमितताएं बरती गई है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसके बाद भी अगर ऐसे अधिकारियों को विभागीय मंत्री और सचिव बचाने आ जाएं, जिसमें कि ये पूरी फाइल है, ये नोटिंग है, इसमें मंत्री से लेकर इनके शिक्षा सचिव से लेकर संयुक्त सचिव सभी के इनके नोटिंग की हुई है, इसमें ये फाइल चलाते चलाते दिसंबर 2023 से ये फाइल चलाते हैं और बिल्कुल पूरी फाइल चलाते चलाते इसका निष्कर्ष लास्ट में मंत्री जी हमारे क्या निकालते हैं, मंत्री जी बड़े गजब तरीके से इसका निष्कर्ष निकालते हैं और ये निष्कर्ष ये है और वो निष्कर्ष मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। मंत्री जी कहते हैं कि हमने श्री बिष्ट को वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता के क्रम में प्रकरण में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता ये नहीं हुई है, मात्र प्रशासनिक चूक हुई है और प्रशासनिक चूक के आधार पर इनका जो 34 साल का रिकॉर्ड है उसे देखते हुए हम इन्हें चेतावनी देने के बाद छोड़ देते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि इस अधिकारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और वो चेतावनी देकर इसलिए छोड़ते हैं कि जब कार्रवाई करनी थी समय रहते हुए तक कार्रवाई करी नहीं, जब रिटायरमेंट का समय था 30 तारीख को रिटायरमेंट होना था और कोर्ट ने 29 तारीख तक जवाब मांगा था, तो 29 तारीख को ये चेतावनी देते हुए धन सिंह रावत जी ने एक नई परिपाटी इस प्रदेश में लाई है और मैं चाहता हूं कि धन सिंह रावत या इनके शिक्षा सचिव इस नियमावली का हवाला दें कि ये नियमावली कौन सी है जिसमें चेतावनी देकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो आप बात सुनोगे तो आप तो मन मन मुस्कुराओगे, क्योंकि अपने बचाव के लिए जो महावीर बिष्ट ने कोर्ट में जो चीज़ें दी है आप उनको पढ़ोगे, उनको सुनोगे तो बहुत हास्यपद सारी चीज़ें हैं। महावीर सिंह बिष्ट जी कहते हैं कि जो उन पर आरोप लगे हैं वो कहते हैं कि महोदय आपको यह भी अवगत कराना कि मेरे पूर्वत अधिकारी जिनकी मुझे जानकारी है उनके द्वारा अपने सगे संबंधियों को नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये बात इसलिए हो रही है कि जब महावीर बिष्ट ने अपने साले की नियुक्ति प्रधानाचार्य के पद पर की
तो कोर्ट में वो जवाब दे रहे हैं कि मैं ही ऐसा अधिकारी नहीं हूं, मेरे विभाग में कई ऐसे अधिकारी हैं, और वो अब लिख रहे हैं, सीरियल वाइज लिख रहे हैं। श्री एसपी खली सेवानिवृत्त अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के पद पर रहते हुए सीएनआई बालक इंटर कॉलेज देहरादून में अपनी साली की सहायक अध्यापक एलटी के पद पर नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया यथा विज्ञापन प्रकाशन गुण विषयक अंक निर्धारण साक्षात्कार एवं अनुमोदन आदि स्वयं संपादित कर नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। वो कहते कि मैंने ही अपने साले की नौकरी लगाई है, इस महानुभाव ने भी लगाई है जो हमारे पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं। महावीर बिष्ट फिर लिखते हैं कि श्री ललित मोहन चमोला अपर निदेशक महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून द्वारा मुख्य शिक्षाधिकारी चमोली के पद पर रहते हुए अपनी पुत्री की सहायक अध्यापक एलटी प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथा विज्ञापन प्रकाशन गुण विषयक अंक निर्धारण साक्षात्कार एवं अनुमोदन आदि स्वयं संपादित कर नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। वो कह रहे हैं कि केवल मैं अपने साले की नौकरी लगाने वाला नहीं हूँ, एक अधिकारी जिन्होंने अपने साले की नौकरी लगाई, दूसरा अधिकारी जिन्होंने अपने बेटी की नौकरी लगाई, और आगे देखिए इस प्रकार अन्य अधिकारियों द्वारा भी अपने सगे संबंधियों को नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसका संज्ञान जाँच अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया। श्रीमती सीमा जौनसारी जो जांच अधिकारी थी उस समय निदेशक माध्यमिक शिक्षा थी, द्वारा जल्दीबाजी में जो मंतव्य दिया गया है उसमें यह नहीं देखा गया कि शिक्षा विभाग में मैं ही ऐसा अधिकारी नहीं हूं जिसने अपने साले के चयन का अनुमोदन दिया है, बल्कि कई अधिकारी द्वारा भी ऐसा किया गया है जो नियम विरुद्ध भी नहीं है। मैंने श्रीमती जौनसारी को अपने पत्रांक संख्या ये दिनांक 19 अप्रैल 23 को, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, वो कह रहे हैं कि श्रीमती जौनसारी तत्कालीन निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा मेरे विरुद्ध किसी दबाव में अथवा मुझे बदनाम करने की मंशा से ऐसे अभिमत प्रदान किया गया है, वे संभवतः मेरे विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ कि जैसे मैंने अपने साले को नौकरी दी है, ऐसे और भी अधिकारी है, एक अधिकारी ने अपनी बेटी को दी है, एक अधिकारी ने अपने साली को दी है। और इसके अलावा जब बात आगे बढ़ती है तो अभी मैंने पूर्व में कहा था कि मृतक आश्रित में भी गलत तरीके से उन्होंने नियुक्ति दी है, उसके पक्ष में महावीर बिष्ट अपना पक्ष रखते हुए लिखते हैं कि श्री नंद किशोर रतूड़ी सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज हीराखाल पौड़ी गढ़वाल और श्रीमती सुधांशु सहायक अध्यापक राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलराधार खाल पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के संबंधी आख्या। श्री अब लिखते हैं कि श्री किशोर नंद रतूड़ी राजकीय इंटर कॉलेज हीराखाल पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक व्यायाम के पद पर पर्याप्त शिकायतों की जांच की गई। जांच के पश्चात श्री नंद किशोर रतूड़ी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोटिस प्रदान किया गया, जिसके बाद उनके द्वारा सेवा में रहने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। एक निदेशक कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया एक टीचर के द्वारा, और अनैतिक रूप से दबाव बनाया गया जिस कारण मेरे द्वारा उन पर प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी। किंतु दूसरी ओर जिसको ये दबाव बनाने की बात कर रहे हैं, ये नियुक्ति किसी और ने की थी गलत तरीके से मृतक कोटे पे। महावीर बिष्ट जब यहाँ पर अपने पद पर आए तो इन्होंने इनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया, जो कि एक अच्छा कदम था और करना भी चाहिए था। अगर किसी अधिकारी ने गलत किया है तो दूसरे अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि अगर गलत दिखे तो उसे हटाएं। ये महावीर बिष्ट ने बहुत अच्छा काम किया। पर उसी क्रम में वो कह रहे हैं कि जिसके बाद उनके द्वारा सेवा में रहने के लिए मेरे ऊपर दबाव, ठीक है, प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी। अब कह रहे हैं कि तिलकधार पौड़ी गढ़वाल द्वारा सेवा में बने रहने का दबाव नहीं बनाया गया, एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति खुद इन्होंने की और मृतक कोटे से गलत तरीके से की। एक सुधांशु उनकी नियुक्ति की और उन्होंने कहा उन्होंने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया और उसके बाद मैंने वापस ले लिया और मानवीय आधार पर यह छोड़ दिया गया। अब अगर दो केस सेम थे, एक अधिकारी ने गलती की तो आपने उसको सस्पेंड करवाया और वहाँ से जेल भी भिजवाया, पर दूसरे उसी तरीके के व्यक्ति को आपने नौकरी दे दी और उसमें आप कह रहे हैं कि मानवीय आधार पर वापस ले ली। अब जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कोई वित्तीय अनियमितताएं नहीं हुई है, तो महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मृतक आश्रित कोटे पर गलत तरीके से जो नियुक्तियाँ पाई गई है हुई है, उनमें जो उन्होंने वेतन आहरण किया है, जो वेतन लिया है, क्या वो वित्तीय अनियमितताएं नहीं है? क्या उससे विभाग का पैसा बर्बाद नहीं हुआ है? इसके उपरांत जो मैंने पहले कहा था कि
अपने साले को जो प्रधानाध्यापक वाले जी बात थी, क्या उसमें वित्तीयनियमितताएं नहीं है? इसके बाद मैं कहता हूं कि अभी पूर्व में मैंने कहा था कि विधि अधिकारी के पद पर एक सहायक अध्यापक को रख दिया, उसके क्रम में भी वो लिखते हैं कि विधि अधिकारी के पद के सापेक्ष वेतन आहरण का आदेश भी पारित किया गया है जो नियमानुसार नहीं है। उक्त के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए मयूर बिष्ट कहते हैं, अवगत कराना है कि मेरे द्वारा मंडल अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी के पद पर दिनांक 22 मई 2017 को कार्यभार ग्रहण किया गया। तत्समय श्री गुरुप्रसाद अवस्थी सहायक अध्यापक व्यायाम विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत थे तथा उनका वेतन भी विधि अधिकारी के सापेक्षी कार्यालय मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल पौड़ी से आहरित किया जा रहा था। श्री गुरुप्रसाद अवस्थी के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप कोई भी इस पद के विधि अधिकारी नियुक्ति नहीं हुआ, जबकि शासनादेश संख्या ये करके उत्तराखंड राज्य हेतु शिक्षा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया गया, जिसमें विधि अधिकारी का पद समूह ख सृजित किया गया। उक्त विधि अधिकारी के पद को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का बनाया गया, किंतु सितंबर 21 तक भी इस पद पर शासन एवं विभाग द्वारा कोई भी पूर्णकालिक विधि अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। अवगत कराना है कि विभिन्न कार्यालयों में ये करके मेरे द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को विधि अधिकारी बना दिया गया। ये कह रहे हैं कि पूर्व में भी एक सहायक अध्यापक वहाँ पर विधि अधिकारी था, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व में विधि अधिकारी था उसके पास विधि की डिग्री थी, वो स्नातक विधि विषय से था, परंतु जिस व्यक्ति को इन्होंने विधि अधिकारी बनाया उनके पास कोई विधि की डिग्री नहीं थी। अब आज इस परिपाटी को वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है, और इसमें यह भी दिख रहा है कि भाई हाँ वित्तीय अनियमितताएं भी बहुत जगह हुई है। अगर विधि अधिकारी गलत आदमी को बनाया है, वेतन आहरण उन्होंने किया है और ग्रुप बी के पद पर, तो कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताएं तो हैं। परंतु ये सारी बातें जब सामने आई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या परिपाटी हमारे विभागीय मंत्री धन सिंह रावत जी ने बनाई है कि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, उस पर उन आरोपों की पुष्टि हो जाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है, और वो इस तरीके से लिख देते हैं कि इनको चेतावनी देते हुए छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके करीबी थे, इसलिए कि उनका वो 2 साल और आगे बढ़ाना चाहते थे। वो तो जब पीआईएल नैनीताल में डली कोर्ट में, तो तब जाके वो 2 साल का भी खत्म हुआ। उसके बाद धन सिंह रावत जी उन्हें ओएसडी अपना बनाना चाहते थे, उसके बाद वो चीज़ें भी खत्म हुई। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महावीर सिंह बिष्ट आज अपना जवाब लिख कर दे रहे हैं कि मेरे पूर्व में भी मेरे अधिकारियों द्वारा ऐसा किया गया, उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने भी ऐसा किया, तब मैं भी कर रहा हूँ, आज अगर हमारे विभागीय मंत्री के द्वारा इस व्यक्ति को चेतावनी देते हुए छोड़ा गया, तो कल दूसरा व्यक्ति जो उस पद पर बैठेगा या जो भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति उस पद पर बैठेगा वो भी इसी कृत्यों को अंजाम देता रहेगा, क्योंकि एक परिपाटी बनती जाएगी। परिपाटी इसलिए बनती जाएगी, उन्हें पता है कि उनके ऊपर में शासन से उनका संरक्षण हो रहा है, सरकार में बैठे विभागीय मंत्री संरक्षण कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो कुकृत्य किया है उस कुकृत्य की सजा मिलनी चाहिए थी। हमें कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि आप जो मंत्री जी ने जो चेतावनी देते हुए ये आदेश पारित किया और छोड़ा है, आप इसके विरुद्ध आप फिर से फाइल कर सकते हो केस को, ये कोर्ट ने हमें किया है। तो हम कोर्ट जाने से पहले हम इस मामले को आम जनता के संज्ञान में, शिक्षा विभाग के संज्ञान में और उन अधिकारियों के संज्ञान में भी डालना चाहते हैं जिनकी मिलीभगत इसमें है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की परिपाटी अगर वास्तव में इस प्रदेश के अंदर बनी तो वो समय दूर नहीं है कि जब सारे मंत्रियों, अधिकारियों और रसूखदार लोगों के जो लोग हैं वही सुरक्षित मिलेंगे, बाकी आम नागरिक या ईमानदार लोग पिसते जाएंगे। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी, है, और ये अंजाम तक पहुँचेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार के कृत्य कोई भविष्य में कोई अधिकारी ना करें, इसके लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। नहीं तो वो तो रिटायर्ड हो गए हैं, हम चाहते तो ये चीज़ें खत्म कर देते, परंतु हम चाहते हैं कि अगर कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि आप चैलेंज कर सकते हैं तो हमें चैलेंज करना चाहिए, और हम चैलेंज कर रहे हैं। तो इसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके कैबिनेट में धन सिंह रावत जैसे कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी कार्यप्रणाली क्या है उस पर विचार करने की ज़रूरत है। माननीय धन सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं,
आपकी कार्यप्रणाली क्या है कि एक भ्रष्ट व्यक्ति को, भ्रष्ट अधिकारी को चेतावनी देकर छोड़ना चाहते हैं और उसका उल्लेख नहीं है कि किस नियमावली के तहत चेतावनी दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी इसका संज्ञान लें, अपने कैबिनेट में बैठे एक ऐसे मंत्री को जो बिना नियमावली के, बिना नियमों के, नियमों को ताक पर रखते हुए भ्रष्ट अधिकारी को चेतावनी देकर छोड़ते हैं, जिसके कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उन पर वो होना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने नहीं करवाई। तो ये स्पष्ट है कि प्रदेश के भीतर जो इस प्रकार की कार्यप्रणाली चल रही है उस पर हमने पूर्व में भी खुलकर बोला है, वर्तमान में बोल रहे हैं और भविष्य में भी बोलेंगे। और आज का जो विषय था वो यही था, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दोबारा वैसे फाइल तो चल रही है, पर दोबारा एक बार मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्र भेजा जाएगा और यही प्रकरण था। धन्यवाद।